ऊना हमीरपुर रेल लाइन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने रेल लाइन के मुद्दे पर आरटीआई लेकर तथ्यों सहित केंद्रीय मंत्री से लाइन से जुड़ी उनकी पूर्व में की गई घोषणाओं का जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि यदि मंत्री इसका सही जवाब नहीं देते हैं तो उनका घेराव किया जाएगा। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश प्रवक्ता व कांग्रेस पार्टी हिमाचल सोशल मीडिया सेल के चेयरमैन अभिषेक राणा ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जनता को रेल लाइन के मुद्दे पर केवल धोखा दिया है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक राणा ने पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा लगातार 3 चुनावों में हमीरपुर रेल लाइन के मुद्दे पर दिए गए बयानों पर घेरा करते हुए उन पर जनता के साथ झूठ बोलने का आरोप लगाया। राणा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है और 2016 में उस समय के रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात कर ट्वीट भी किया गया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और 3,000 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 5 वर्ष में यह रेलवे लाइन तैयार हो जाएगी। लेकिन रेल विभाग से ली गई आरटीआई में खुलासा हुआ है कि अभी तक रेल लाइन का सर्वे नहीं हुआ है। देखिए, सत्ता में कोई भी व्यक्ति चुनकर आता है तो कुछ मुद्दों पे चुनकर आता है, लोगों के बीच में वादे रखता है कि मैं ये काम करूंगा, आप मुझे जिताइए। और 2014 के चुनाव में बड़े बड़े वादे हमारे वर्तमान में जो मंत्री हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, तो चुनाव में उतरने से पहले बड़े बड़े कार्टून्स उन्होंने बनाए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही कि रेल लाइन जो है वो आएगी। तो हम लगातार ये कहते रहे कि रेल लाइन का काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सर्वे कहीं नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पर यह आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो झूठ कह रहे हैं, उनको जो है वो हमीरपुर का विकास जो है वो रास नहीं आ रहा है। तो अभी अंदर मैंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई, जिस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले 14 में जो उन्होंने बड़े बड़े कार्टून्स बनाए वो मैंने आपको दिखाया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी साथ लेकर वो चले हुए हैं कि अब विकास नहीं रुकेगा और रेल लाइन जो हमीरपुर तक पहुंचेगी। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया 2014 में कि सबको बधाई हो हमीरपुर के लोगों को कि रेल लाइन सैंक्शन हो गई है। उसके बाद 2016 में जो उनका खुद का एक पोस्ट है फेसबुक का सोशल मीडिया पे जो मैंने दिखाया, उसमें सुरेश प्रभु जी जो उस समय रेल मंत्री थे उनके साथ वो खड़े हैं और उसमें ऊपर लिखा है कि सबको बधाई हो, 2016 में लिखा था कि सबको बधाई हो कि रिकॉर्ड तोड़ टाइम में 2 साल के अंदर सर्वे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई उनकी अखबार की क्लिपिंग्स, जिसमें उन्होंने घोषणा करी अखबार में दिया कि 2815 करोड़ रुपये जो केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन कर दिए हैं और 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 2815 करोड़ मिल चुके हैं, सबको बधाई हो। लोगों में एक उत्साह रहा। अगला चुनाव 2019 का आया, उसमें भी उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि इतने पैसे तो आ गए, बस प्रोजेक्ट को पूरा होने में समय लगता है। हम लगातार ये कहते रहे, लेकिन आज इस साल में जो लेटेस्ट आरटीआई हमने रेलवे विभाग से मांगी, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, 3 सवाल आए कि कितना पैसा आया 18 से लेके 21 तक, और सर्वे पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और जितना पैसा आया वो कितना खर्च हुआ। तो मज़ेदार 3 सवाल खड़े होते हैं मंत्री जी के आगे और भारतीय जनता पार्टी के आगे, इसमें से जितने पैसे आए वो भी खर्च नहीं हो पाए। लेटेस्ट बजट जो था उसमें 1,000 रुपये आया था, मैंने पीछे प्रेस वार्ता में कहा तो सबने कहा कि 1,000 रुपये नहीं आए, ज़्यादा आए हैं बीजेपी के लोगों ने। तो ये इस आरटीआई में लिखा है 0.01 लास्ट बजट, और ये वो बजट कब का है जब जो हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं उस समय राज्य वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्रालय उनके पास था, तब 1,000 रुपये दिया। और सेकंड लाइन में साफ शब्दों में लिखा है कि सर्वे पूरा नहीं हुआ है, और ये लगातार लंबे समय से रेलवे विभाग कहते आ रहा है कि सर्वे अभी पूरा ही नहीं हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो थोड़े से पैसे आए हैं ये पैसे लगे कहाँ हैं, क्योंकि सर्वे पूरा नहीं हुआ। मंत्री जी कह रहे हैं जो उस समय सांसद थे कि सर्वे पूरा हो गया, पैसे आ गए हैं, लेकिन आरटीआई में जब डाली जा रही है और रेलवे विभाग ये कह रहा है कि ना सर्वे पूरा हुआ है ना उतने पैसे आए हैं, और लास्ट जो बजट आया वो 1,000 रुपये का आया,
तो इस आरटीआई के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि मंत्री जी यहाँ आए लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, लेकिन वो आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, लोगों को ठगने के लिए आए, और अब वो यहाँ से फिर चले गए हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह आते हैं और पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह चले जाते हैं। और जब जब पत्रकार बंधु या विपक्ष के कोई लोग या कोई आम व्यक्ति भी उनसे सवाल पूछता है कि आप ये बताइए कि रेल का क्या हुआ, तो गुस्सा हो जाते हैं या अपना जवाब जो है वो देते ही नहीं है। आज लोगों के सामने मैं इस आरटीआई के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रेल प्रोजेक्ट धरातल पर दूर दूर तक नहीं है, ये रेलवे विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। जो मैंने बयान अंदर दिखाए वो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, रेलवे विभाग कुछ और कह रहा है। इसलिए जो लोगों को लगातार ठगने का काम केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं उसको बंद करें। भले ही उनको सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट के तौर पे जो है वो माफ़ी दे दी होगी, लेकिन अगर वो अब एफिडेविट पे भी जो है हमीरपुर संसदीय की जो जनता है संसदीय क्षेत्र की उसको एफिडेविट पे भी अगर माफ़ी मांगने का प्रयास करेंगे तो भी यहाँ के लोग माफ़ नहीं करेंगे। तो राणा ने कहा कि हिमाचल की जनता केंद्रीय मंत्री से पूछती है कि यदि सर्वे हुआ ही नहीं तो रेल लाइन के लिए आए पैसे कहां खर्च हुए, आखिर भोली जनता के खून पसीने की कमाई कौन खा गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी एक और फिर से उनका घेराव करने के लिए पीछे नहीं हटेगी। हम इंतजार करेंगे कि केंद्रीय मंत्री का क्या जवाब होता है, और अगर वो जवाब लोगों को यहाँ की जनता को नहीं देते हैं तो एक बार फिर से उनके घेराव की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये पैसा, ये प्रोजेक्ट हमीरपुर के लोगों के लिए था। जो थोड़ा बहुत पैसा आया वो भी हमीरपुर के लोगों का है, यहाँ लोगों के टैक्सी से ये पैसा जमा हुआ है जो प्रोजेक्ट शुरू होना था। तो ना सर्वे हुआ, ना पैसे लगे, और जो थोड़े बहुत पैसे वो कहाँ लगे ये किसी को पता नहीं है। तो आने वाले समय में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को जो ठगने का काम केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं उसको बंद करें, क्योंकि यहाँ की जनता जाग चुकी है, और इस आरटीआई के माध्यम से और आप सब साथियों के माध्यम से जनता तक हम यही बात पहुँचाना चाहते हैं कि रेलवे विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी रेलवे सर्वे नहीं हुआ है, कोई पैसे नहीं आए हैं, और जितने थोड़े बहुत पैसे हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं उसका ब्यौरा भी विभाग नहीं दे पा रहा है। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई के माध्यम से उजागर किया है कि जो बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं लगातार झूठ बोल रहे हैं। अभी हम जवाब का इंतजार करेंगे क्योंकि आज हमने सवाल पूछा है। अगर हमारा कोई भी जो हमने चीज़ बताई है वो गलत है तो हमें बताएं, मानहानि का केस करें कि हम झूठ बोल रहे हैं, और अगर ये सच है तो लोगों को बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम जवाब का इंतजार करेंगे। अगर सही जवाब, लोगों के हित का जो जवाब वो नहीं वो लोग देते हैं तो हम उनका घेराव करेंगे और अनुराग ठाकुर जी का विरोध करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों के समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना हमीरपुर रेल लाइन को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट करार देते हुए इस पर करोड़ों रुपए स्वीकृत होने की बात कही थी और इसका सर्वे रिकॉर्ड समय में पूरा करने की बात कही थी, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी उन्हें घेरना चाहती है।